Welcome back to BBVN online classes. The next topic is status bar. As you know, the status bar is located at the bottom of the workplace. जो status bar है आपके जो भी आपका workplace होता है उसके bottom के अंदर आपको मिलती है. कोई भी document अपन open करते हैं या कोई भी presentation अपन बनाते हैं, कोई भी excel sheet बनाते हैं, तो सो software है उससे related. उसके bottom के अंदर अपन को क्या मिलेगी, आपकी status bar मिलेगी. इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट. ये डॉक्यूमेंट के अबाउट कोई भी इन्फॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड करती है. एंड कन्वीनियंट वे टू क्विकली चेंज सम डॉक्यूमेंट फीचर्स. और ये क्या करता है, आपको कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है जिससे आप डॉक्यूमेंट के कुछ फीचर्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हो. लाइक व्यू चेंज कर सकते हैं अपन इसके अंदर. इट कैन बी हिडन बाई डी सेलेक्टिंग इन द व्यू मेन्यू. इसको आप हाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए बात करेंगे अपन स्टेटस बार के बारे में कौन सी होती है. तो अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो एक बार दिख रही है आपको, ठीक है, जहाँ पे कर्सर आपको मिल रहा है, ये जो बार आपको मिल रही है आपकी क्या स्टेटस बार है. इसके ऊपर अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे. लाइक यहाँ से जूमिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप जूमिंग का वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे देखिए व्यू भी मिल जाएंगे आपको अलग से. ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये डॉक्यूमेंट की प्रोवाइड करता है. लाइक 1 to 5 पेजेस है इसके अंदर. साथ ही साथ इसमें 3,102 वर्ड्स हैं और 16,888 कैरेक्टर्स यहाँ पे है. ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है. साथ ही साथ अपन को कुछ क्विकली फीचर्स भी देती है जिससे अपन को चेंज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इंसर्ट मोड. देखिए लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया इंसर्ट मोड और ओवरटाइप मोड के बारे में लास्ट कुछ वीडियोज़ के अंदर अपन ने बात की थी. तो मैं दोबारा इसको एक बार बता देता हूँ. इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड. जैसे सपोज दैट कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे को जस्ट यहाँ पर बीच के अंदर अपन को कुछ लिखना है. तो जनरली अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि जो राइट साइड वाले जितने भी कैरेक्टर हैं वो आगे मूव हो रहे हैं, वो और राइट के अंदर मूव हो रहे हैं. ठीक है, ये आपका क्या है, आपका इंसर्ट मोड है. ठीक है, अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये राइट के अंदर मूव होता जा रहा है. अगर यही ओवर टाइप मोड के अंदर होता तो होता ये कि ये हर एक जो कैरेक्टर उसको ओवर टाइप करता जाता. ओवर टाइप मोड ऑन करने के लिए आपको कीबोर्ड के ऊपर इंसर्ट की है वो आपको प्रेस करनी है. अब अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या करेगा, ये ओवर टाइप करेगा. ये क्या कर रहा है, ओवर टाइप कर रहा है. ठीक है, ये हर एक कैरेक्टर को एक दूसरे से क्या करेगा, ओवर टाइप कर देगा. ओके, तो ये अपना इंसर्ट और मोड और ओवर टाइप मोड. तो देखिए दिस इज एरिया इज ब्लैंक व्हेन इंसर्टेड मोड. क्लिक ऑन द इंसर्ट एरिया टू चेंज इट ओवर टाइप मोड. तो अपन इसको दोनों में चेंज कर सकते हैं. क्लिक अगेन टू रिटर्न टू इंसर्ट मोड. दोनों में चेंज कर सकते हैं आप. कीबोर्ड पे जो इंसर्ट की है उसका यूज कर सकते हैं. मैंने आपको जनरली बता दिया है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो करते हैं देखिए डॉक्यूमेंट व्यू की. अब अगर अपन बात करें जो आपका जहाँ पे अपन काम कर रहे हैं, अभी अपन किस पे काम कर रहे हैं, आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर काम कर रहे हैं. तो लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट व्यू है आपको 3 टाइप के डॉक्यूमेंट व्यू मिलेंगे. अब यहाँ पे व्यू का मतलब क्या, कि जब भी अपन अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो कैसे दिखता है या अपन उसको किस टाइप से बनाते हैं, कैसे अपन उसको शो करना चाहते हैं, तो वो आपका क्या डॉक्यूमेंट व्यू है. राइटर हैज़ 3 वे टू व्यू एंड एडिट ए डॉक्यूमेंट. राइटर के पास 3 वे हैं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं. नॉर्मल व्यू, वेब व्यू एंड फुल स्क्रीन व्यू. ये 3 टाइप्स के व्यू आपको राइटर प्रोवाइड करता है, लिब्रे ऑफिस राइटर. टू चेंज द व्यू, अगर आपको व्यू चेंज करना है, गो टू द व्यू मेन्यू. व्यू मेन्यू में जाए एंड क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड व्यू और आप रिक्वायर्ड व्यू पे क्लिक कर दें. अब देखिए कैसे, वन बाई वन अपन बात करते हैं. फर्स्ट आता है वो आता है नॉर्मल व्यू. देखिए बाई डिफॉल्ट जो होता है वो नॉर्मल व्यू होता है. जब भी अपन किसी राइटर को ओपन करते हैं तो बाई डिफॉल्ट व्यू क्या होगा, आपका नॉर्मल व्यू. नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू इन राइटर. इट शो हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन यू प्रिंट इट और क्रिएट ए PDF. कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट की PDF बनाते हैं और उसे प्रिंट करते हैं तो वो कैसा दिखता है, ये आपको कौन शो करता है, नॉर्मल व्यू शो करता है. इन दिस व्यू यू कैन यूज़ द जूम स्लाइडर. इसमें आप जूम स्लाइडर का भी यूज कर सकते हैं. एंड द व्यू लेआउट आइकन ऑन द स्टेटस बार चेंज द मैग्निफिकेशन. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि देखिए जितनी भी आपके फॉर्मेटिंग है वो अपन सारी किसके अंदर करते हैं, आपके नॉर्मल व्यू के अंदर करते हैं. नेक्स्ट आपका आता है वेब व्यू.
देखिए वेब व्यू का जनरली मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अपन इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट अपन ओपन करते हैं तो वहाँ पे पेज जो है वो ब्रेक नहीं होता, कोई कंप्लीट पेज होता है, जितना भी आप उसको स्क्रॉल करते हो वो कंप्लीट पेज होता है। वैसे क्या होगा, अपने डॉक्यूमेंट का लुक कैसा होगा, वेब पेज जैसा होगा, वहां पे भी क्या नहीं होगा, पेज ब्रेक नहीं होगा। तो देखिए द वेब व्यू शो हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक इफ व्यूड इन द वेब ब्राउजर, कि अगर अपन अपने ब्राउजर के अंदर अगर अपन कुछ ओपन करते हैं वैसा के वैसा आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो होगा। ये जनरली किसके लिए काम में आता है, जब अपन कोई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई वेब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाते हैं। दिस इज यूजफुल व्हेन यू क्रिएट ए एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इन अ वेब व्यू, यू कैन ओनली यूज जूम स्लाइडर। वेब व्यू के अंदर आप ओनली जूम स्लाइडर का यूज कर सकते हैं, तो फॉर्मेटिंग अपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो करते हैं फुल स्क्रीन व्यू की। इन दिस व्यू नो टूल बार एंड साइड बार आर डिस्प्ले। देखिए फुल स्क्रीन इट मीन्स कोई भी आपको टूल बार साइड बार आपको नहीं मिलेगी, ओनली पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, आपका वर्क प्लेस मिलेगा, आपका डॉक्यूमेंट शो होगा। द डॉक्यूमेंट टैग ऑफ द फुल एरिया अवेलेबल, जो डॉक्यूमेंट का कंप्लीट एरिया है वो आपको अपने सॉरी स्क्रीन का कंप्लीट एरिया है वो आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। यूजिंग जूम एंड लेआउट सेटिंग प्रीवियसली सेलेक्टेड, तो कैसे मिलेगा, जैसे अपन ने जूमिंग सेटिंग है या लेआउट सेटिंग पहले से कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आपका क्या मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। टू एग्जिट अ फुल स्क्रीन व्यू एंड रिटर्न टू आइदर नॉर्मल और वेब व्यू प्रेस एस्केप की। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, किसको जो फुल स्क्रीन व्यू को क्लोज करना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, जो अपना एस्केप की दबाएंगे साथ ही साथ एंड क्लिक ऑन द फुल स्क्रीन आइकन ऑन द फ्लोटिंग टूल बार। देखिए टूल बार जनरली टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है आपकी फिक्स, एक होती है आपकी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग को आप मूव करवा सकते हो कहीं भी, और जो फिक्स होती है उसको अपन मूव नहीं कर सकते। तो जब अपन फुल स्क्रीन व्यू अगर अपन ओपन करते हैं तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, एक फ्लोटिंग टूल बार मिलेगी, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो फुल स्क्रीन व्यू है इसको क्लोज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका शॉर्टकट भी है, यू कैन यूज ऑल्सो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, ये इसका शॉर्टकट है, या तो आप ओपन कर सकते हो या इसको क्लोज कर सकते हो। तो देखिए वन बाई वन अपन बात करते हैं नॉर्मल वेब और फुल स्क्रीन व्यू के बारे में। तो फर्स्ट देखिए, अभी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका नॉर्मल व्यू के अंदर शो हो रहा है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल व्यू है, इसके अंदर कोई भी अपन एडिटिंग वगैरह है वो सारी अपन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर अपन जूमिंग है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, या अपन कोई भी फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसका कलर है वो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये भी अपन कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और कलर चेंज कर देता हूँ मैं, जिससे आपको आसानी से ये शो होता रहे। तो देखिए ये आपको अलग से शो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी फॉर्मेटिंग अपन नॉर्मल व्यू के अंदर कर सकते हैं। और जब अपन बात करते हैं वेब व्यू की, तो देखिए यहाँ पे व्यू ऑप्शन मिल जाएगा आपको। व्यू ऑप्शन में यहाँ पे मिलेगा नॉर्मल, जो फर्स्ट अपना है ये बाय डिफ़ॉल्ट, और सेकेंड अपना वेब व्यू। तो वेब व्यू पे जैसे क्लिक करते हैं तो अब आप देखते हैं कि देखिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे पेज ब्रेक शो नहीं होगा, कंप्लीट आपका एक ही जो पेज है वो शो होगा, ठीक है। जब भी अपन कोई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये इसके लिए अपने यूज आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है वो आता फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन है तो यहाँ पे व्यू पे जाएं और यहाँ पे देखिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का शॉर्टकट यहाँ पे दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट और जे, इस पे अपन जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, अपना डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक जो फ्लोटिंग टूल बार मिल रही है, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्लोज हो जाता है। इसके अलावा अपन दोबारा इस पे करते हैं तो एस्केप की प्रेस करके भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये अपने व्यू, तो कौन कौन से व्यू हो गए, नॉर्मल, वेब लेआउट और थर्ड इज फुल स्क्रीन व्यू। और शॉर्टकट इसका क्या हो गया, कंट्रोल शिफ्ट और जे। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन मोड ओपन हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट और जे अगेन प्रेस करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना व्यू, ओके, थैंक यू।